स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास फर्स्ट की मैथ्स की 9 मई 2020 की क्लास है। हमने अपनी सेकंड यूनिट जो कि नंबर्स के बारे में है, आज हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है। हमारा पहला टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग दिस नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 42, 92, 37 एंड 65 इज 37, 42, 65, 92। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर के ग्रुप्स को छोटे से बड़े की तरफ लगाना, जो सबसे छोटा है उससे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे 37 सबसे पहले है, फिर उससे बड़ा 42 है उससे बाद में, फिर उसके बड़ा 65, फिर उससे बड़ा 92। तो देखिए, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। अब ये चार नंबर्स आपको दिए हैं, इनमें से सबसे छोटा 28 है, वो पहले, फिर 33, फिर 46, फिर 75। इसी तरह से देखिए आप 96, 75, 39 और 48 में सबसे छोटा नंबर कौन सा। आप सबकी टेंस वाली डिजिट कंपेयर कीजिए, 9, 7, 4, 3। सबसे छोटी डिजिट 3 है तो सबसे छोटा होगा 39। उसके बाद वाली सबसे बड़ी है 4, फिर उसके सबसे बड़ी है 75, फिर उसके बाद सबसे आगे आता है 96। तो इसी तरह से आपको छोटे से बड़े की तरफ फिल करना है। ये बाकी के एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे, आपकी स्किल्स बूस्ट होंगी इससे। आगे है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर्स को सबसे पहले बड़ा लगाते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह से चार नंबर्स का ग्रुप है, 63 सबसे बड़ा, वो सबसे पहले, 58 उससे छोटा, वो उसके बाद में, 49 उसके बाद में और 42 उसके बाद में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको फोर नंबर्स दिए हैं, इनको आपको अरेंज करके दिखाया है, एक आपको हम भी करके दिखाते हैं। 72, 75, 68 और 86। तो सबकी टेंस डिजिट देखेंगे, सबसे बड़ी टेंस डिजिट 86 की है, यानी कि 8, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद आते हैं 77 वाले। 77 दोनों में एक जैसा है, तो उसके आगे वाले डिजिट देखेंगे, ये 2 है, ये 5 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, 5, तो 75 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 72 और फिर लास्ट में बचा रह गया 68। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर दिया। इसी तरह से ये सारे सम्स आपको करने हैं अच्छे से, नीटली अपनी बुक में और नोटबुक में। बिफोर एंड आफ्टर एंड इन बिटवीन। तो देखिए, बिफोर वही आपका पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बिफोर आफ्टर, बस इस बार टू डिजिट्स के हैं। जैसे व्हाट कम्स बिफोर 13, तो 13 से पहले क्या आता है, 12, हमने काउंटिंग पढ़ ली है अपनी 100 तक। व्हाट कम्स आफ्टर 54 के बाद क्या आता है, 55, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट कम्स इन बिटवीन 65 और 67 के बीच में क्या आता है, 66, ये हमने पढ़ लिया था पहले भी, लेकिन अब हम टू डिजिट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब हमें नंबर लिखने हैं जो उनसे पहले आते हैं। 35 से पहले 34, 58 से पहले 57, 65 से पहले 64 और 100 से पहले 99। और इसी तरह से ये है फिल इन द बॉक्सेस विद नंबर्स दैट कम आफ्टर। अब इन बॉक्सेस को उन नंबर से फिल करना है जो उसके बाद आते हैं, जैसे 86 के बाद 87, 25 के बाद 26, 20 के बाद 21, 13 के बाद 14। देखिए, अब फिल इन द बॉक्सेस विद द नंबर्स दैट कम इन बिटवीन। अब बिटवीन, बीच वाले नंबर बताने हैं। 88 के बाद में क्या आता है और 90 के पहले क्या आता है, तो 89 इन दोनों का सेम आंसर है, तो हम बीच में लिख देंगे। 98 के बाद क्या आता है, 99 और 100 से पहले क्या आता है, 99, तो दोनों के बिटवीन है ये। इसी तरह से 62 के बाद आता है 63, 64 से पहले आता है 63, दोनों में सेम है, तो ये इन बिटवीन में लिख देंगे हम। हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज द प्लेस ऑफ एनी डिजिट इन टेंस और वंस प्लेस। इन 35 3 इज ऑन टेंस प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 टेंस और 30। 5 इज ऑन वंस प्लेस, सो दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 वंस और 5। प्लेस वैल्यू बहुत ही सिंपल होती है। कोई भी नंबर लें हम, 42,
इसमें फोर की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है, तो इधर से काउंट करेंगे, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, फोर कहाँ पे है, टेंस पे, तो फोर टेंस हम लिख देंगे। फोर टेंस कितने होते हैं, 40, तो यानी कि फोर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 40। अब हम टू देखें, टू वंस पे है तो टू वंस लिख देंगे, तो टू वंस कितने होते हैं, 1, 2, 2। तो बस इसी तरह से आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे जिन जिन डिजिट्स पे सर्कल है आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए 9 पे प्लेस वैल्यू है, 9 पे है सर्कल, तो ये देखिए 9 वंस पे आ रहा है, 6 टेंस पे आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 9 वंस और 9। यहाँ देखिए हम 7, 3, यहाँ पे 7 वंस पे है, 3 टेंस पे है, टेंस पे आ रहा है तो लिखेंगे 3 टेंस और 30, 30। इसी तरह से आपको ये सारे फिल करने हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर्स एंड ऑल्सो राइट देयर नंबर नेम्स। इनमें बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक्सपैंड करना है। अब 3 कौन से नंबर पे है, वंस पे, तो इसको वंस के साथ लिख देंगे। 8 उससे आगे वाला टेंस पे है, तो इसको टेंस की प्लेस पे लिख देंगे। और बाद में आपको क्या करना है, इनका नंबर नेम लिखना है, जैसे कि 83 का हो जाएगा AIEIGHTY 80THREE 3। इसी तरह से बस ये 2 और हैं जो आपको करने हैं। तो आज हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है, और हमारी ये मैथ्स लैब की एक्टिविटीज हैं, ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आज का हमारा होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये एक्टिविटीज़ बुक और नोटबुक दोनों में करनी है।